गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सेमेस्टर टू पेपर फाइव के यूनिट थ्री का और इम्पोर्टेंट जो वीडियो चल रहा है उसी का पार्ट चल रहा है टीचर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव टीचिंग, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है प्रभावशाली शिक्षण को, आज उसी की अगला पार्ट है, नेक्स्ट भाग है बेसिस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, अर्थात प्रभावी शिक्षण का आधार क्या बेस हो सकते हैं, आधार क्या हो सकते हैं किसके इफेक्टिव टीचिंग। कक्षा कक्ष में टीचर जो शिक्षा देता है, शिक्षण कार्य करता है, वो कैसे इफेक्टिव बने, इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, किन आधारों का सहारा लेकर एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बेहतर प्रभावशाली शिक्षण कर सके, इस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग प्रभावशाली शिक्षण के अनेक आधार हो सकते हैं और इन विभिन्न तरीकों के द्वारा, माध्यमों के द्वारा हम कक्षा में बेहतरीन ढंग से शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आज हम उसी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग के जो मेन बेसिस है उसमें सबसे पहले देखेंगे टीचर्स एबिलिटी का अर्थ क्या हुआ, शिक्षक की योग्यता। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है शिक्षक, जो उसके केंद्र में होता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी योग्यता, वो शिक्षण कार्य को पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो शिक्षक की योग्यता, टीचर्स एबिलिटी में उसका व्यक्तिगत गुण, उसका व्यवसायिक गुण, उन सभी को एक साथ शामिल कर सकते हैं कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, उसमें विषय का ज्ञान कैसा है, वो उसका टीचिंग स्टाइल क्या है, वो किस मेथड का इस्तेमाल करता है, वो किस तरह से कक्षा में शिक्षण कार्य संपन्न करता है, ये सारी चीजें टीचर की एबिलिटी में आ जाती है। और इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीचर योग्य हो, उसमें कॉम्पिटेंसी हो, क्षमता हो कि वो अच्छी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कर सके। तो पहला पॉइंट हुआ इफेक्टिव टीचिंग का कि टीचर कैसा होना चाहिए, एबल होना चाहिए, मतलब योग्य होना चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए, क्योंकि टीचर सक्षम नहीं रहेगा तो टीचिंग बेहतर ढंग से, इफेक्टिव टीचिंग हो ही नहीं सकती है। इसका प्रथम आधार स्तंभ है वो आपका है टीचर का गुण, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता। अब दूसरा है इम्पोर्टेंट कि क्या बेस हो सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग का, तो वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधि, टीचर कक्षा में किस माध्यम से, किस विधि के सहायता से टॉपिक को प्रेजेंट करता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो बेहतरीन होगा, योग्य विधि होगा, उसका इस्तेमाल यदि किया जाए तो कक्षा में जो टीचिंग होगा वो कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। तो योग्य विधि आपको पढ़े ही है, इसके अंतर्गत बहुत तरह की विधियां है, इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, सर्वे मेथड, एक्सकर्शन मेथड, बहुत तरह की विधियां है जिसकी मदद से आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष की क्रिया को संपन्न किया जा सकता है, टॉपिक को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करता है। तो बेहतर टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके टीचर क्या कर सकता है, क्लास में इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है। तीसरा है क्लास एनवायरमेंट, शैक्षिक वातावरण या कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण भी इफेक्टिव टीचिंग को या टीचिंग को प्रभावित करता है। यदि कक्षा का वातावरण नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, पठन पाठन का कार्य,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगी। यदि क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफेक्टिव हो पाएगा, बेहतरीन ढंग से संपन्न हो पाएगा। तो क्लास का माहौल भी इफेक्टिव टीचिंग को का प्रमुख आधार होता है। तो क्लास का माहौल भी दो तरह से हो सकता है, एक है आपका फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल एनवायरनमेंट का हो गया औपचारिक वातावरण और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट का हो गया अनौपचारिक वातावरण। कक्षा कक्ष के अंदर का, क्लासरूम के भीतर का जो वातावरण होगा उसको फॉर्मल एनवायरनमेंट में काउंट करेंगे, और क्लासरूम के बाहर, विद्यालय के बाहर का जो वातावरण होगा उसको इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में जोड़ेंगे। तो बेहतरीन इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है कि क्लासरूम का माहौल भी बेहतर हो, योग्य हो, और क्लासरूम के बाहर का भी जो वातावरण है, जब बालक क्लास से बाहर निकल के जाते हैं तो टीचर का प्रभाव इतना बेहतर होना चाहिए, शिक्षण कार्य इतना योग्य होना चाहिए कि क्लासरूम के बाहर भी जब बच्चा जाता है तो उसके उसके बातों का, उसके व्यवहार का, उसके ज्ञान का उस पर पॉजिटिव असर पड़े, तभी वो इफेक्टिव टीचिंग माना जा सकता। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव टीचिंग का, वो है करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी योग्य होना चाहिए, बच्चों के रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम योग्य नहीं होगा तब तक बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे और बेहतर ढंग से वो हो नहीं पाएगा, वो प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। इसलिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम क्या हो, बेहतर हो, योग्य हो, जिसे बच्चों के अनुकूल हो, उसके पॉजिटिव डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। इफेक्टिव टीचिंग का ये भी एक प्रमुख स्तंभ या आधार मान सकते हैं, क्योंकि अनुशासन, अनुशासन कहते हैं कि बेहतर अनुशासन जब तक कक्षा में नहीं होगा तब तक शिक्षक चाहकर भी बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। अनुशासन शिक्षक के क्षमता पर डिपेंड करता है, शिक्षक की योग्यता को दर्शाने में अनुशासन भी एक बहुत बड़ा आधार है। यदि बेहतर पॉजिटिव अनुशासन है तो क्या होता है, शिक्षण देने और छात्रों को ज्ञान लेने, लर्निंग करने में आसानी होती है। यही अनुशासन नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका सीधे प्रभाव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। इसलिए एक क्लास का अनुशासन क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अनुशासन के नाम पर या तो कठोर दंड दिया जाए, और दूसरे तरफ ऐसा भी ना हो अनुशासन को इतना भी मतलब किसी तरह का दंडात्मक कार्रवाई ना करके, किसी तरह का रोक टोक ना लगाकर हम बच्चों के भी नकारात्मक मनोबल, जो उसमें नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको भी हम बढ़ने में मदद करें, ऐसा भी ना हो, बल्कि एक बीच का हो, ना ज्यादा कठोर हो और ना ज्यादा लचीला, जिससे क्या हो, क्लास का माहौल बिगड़ जाए। क्योंकि अनुशासन, जब तक सही अनुशासन नहीं होगा कक्षा का, तब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। स्किनर महोदय, जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि एक बार उनके विद्यालय के जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, उनको एक बच्चे ने ऐसे ही थप्पड़ मार दिया। वो बच्चा को पता था कि टीचर को थप्पड़ भी मार देने पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और टीचर भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहने का अर्थ है कि अनुशासन दंडात्मक ना हो, इसका अर्थ ये ना हो कि इतना भी लचीला कर दिया जाए कि फिर बच्चे में क्या हो जाए, उसमें नेगेटिव ग्रोथ दिखने लगे।
तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए, ना ज्यादा कठोर होना चाहिए और ना ही ज्यादा लचीला कि इसका दुष्परिणाम निकले और बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़े। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्लास का एनवायरमेंट भी, अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। अब है नेक्स्ट डायरेक्शन, निर्देशन। शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों को किस तरह से दिशा निर्देशन करता है, ये भी इफेक्टिव टीचिंग का हिस्सा है। ना केवल कक्षा, कक्षा के बाहर भी बच्चों की जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको देखना, उसको समझना, आवश्यकता अनुसार उसको सही सलाह देना, ये भी शिक्षक का कार्य है, ताकि वो बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बेहतर ढंग से पार्टिसिपेट कर सके, अपने अंदर की जो योग्यता है, क्षमता है, उसको विकसित कर सके। इसके लिए जो टीचर समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसको सही दिशा निर्देशन करेंगे, उसे योग्य बनाने में शिक्षक क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन के माध्यम से टीचर क्या कर सकता है, स्टूडेंट को टीचिंग के प्रति अग्रसर कर सकता है, ये भी इफेक्टिव टीचिंग का एक आधार है। नेक्स्ट है टीचर्स रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटी। शिक्षक का प्रशासन और समुदाय से संबंध इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये भी एक प्रमुख पैमाना है, क्योंकि देखिए टीचर को ना केवल क्लासरूम में स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है, उसके अलावे भी उसे अपने सहकर्मी, अपने प्रिंसिपल और भी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उससे भी उसे बेहतर संबंध बनाने पड़ते हैं। क्योंकि यदि बेहतर संबंध नहीं होगा तो जो उनको सपोर्ट चाहिए बेहतर ढंग से क्लास में टीच करने के लिए, जो मेंटल और फिजिकल जो मेंटलिटी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या होगा, बेहतर संबंध होना जरूरी है। और यदि टीचर का एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से या अपने दूसरे सहकर्मी से बेहतर संबंध नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, वो परेशान रहेगा, और यदि टीचर परेशान रहेगा तो वो बेहतर ढंग से क्लास में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि टीचर प्रशासन से उसका बेहतर संबंध हो, और प्रशासन के साथ साथ कम्युनिटी, समुदाय से, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वो समुदाय से ही आते हैं, टीचर भी समुदाय से ही आते हैं, और यदि वो बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य करना चाहता है तो उसे समुदाय को भी समझना होगा, उससे भी उसे बेहतर संबंध बनाने होंगे, और उससे भी आवश्यकता अनुसार सही सलाह देना होगा, समुदाय में पार्टिसिपेट करना होगा, बच्चों के बेहतरी के लिए समुदाय से उसे भी हेल्प लेना होगा, तब जाके टीचर एक इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण कर सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इफेक्टिव टीचिंग के, ये सब बेस है, इसके माध्यम से टीचर चाहे तो बेहतर ढंग से कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कर सकता है और बच्चों को योग्य बना सकता है, एक उत्तम नागरिक के रूप में अपने स्टूडेंट को वो डेवलप कर सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।